CMN News, मैं हूं आपके साथ कनिका। एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एक युवक को बुरी तरह से पीटते हुए देखा जा सकता है। आखिर कहां का है ये वीडियो और क्यों इस युवक को पीटा जा रहा है, जानने के लिए ये खास रिपोर्ट देखिए। उनके पिताजी ताऊजी और मेरा भाई मुझे वहीं पहला थर्ड डिग्री से वहीं पीटा गया और पीटने के बाद फिर मुझे घर ले गया, फिर थर्ड डिग्री से मुझे वहाँ पा। वही राजस्थान के बाड़मेर में ट्रैफिक व्यवस्था राम भरोसे है, जिसके चलते मुख्य चौराहों पर जाम जैसी स्थिति पैदा होती है और वाहन चालकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बाड़मेर में धोरी मन्ना में स्वच्छ भारत अभियान की धज्जियां उड़ाई जा रही है, लेकिन प्रशासन है कि हाथ पर हाथ धरे बैठा है। तस्वीरें देखने के बाद सवाल ये उठ रहा है कि क्या जिम्मेदार अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। गाजियाबाद पुलिस ने आशीष चौधरी नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया है, जो पुलिस की नकली वर्दी पहनकर लोगों पर रोब जमाया करता था और लूटपाट किया करता था। तलाशी के नाम पर लूटपाट करने वाले आशीष को दिल्ली पुलिस पहले भी गिरफ्तार कर चुकी थी। बताया जा रहा है कि आशीष पर पहले भी मुकदमे हैं। पुलिस की छवि को धूमिल कर रहे आशीष की तलाश पुलिस को लंबे समय से थी। आखिरकार साहिबाबाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर उससे दिल्ली पुलिस की नकली वर्दी बरामद की है। पिछले कुछ दिनों में साहिबाबाद थाना क्षेत्र में दो घटनाएं हुई थी, जिसमें कि एक व्यक्ति पुलिस वाला बन के राहगीरों की जमा तलाशी ले रहा था और उसमें जो भी पैसे उसको मिल रहे थे वो अपने पास लेके चला जा रहा था और उनको बोल रहा था कि चौकी पे आ जाइए। जब वो चौकी पे पहुंचते थे तो उनको वैसा कोई शख्स नहीं मिलता था। इस संबंध में थाने पे मुकदमा दर्ज किया गया और इस व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए टीमें लगाई गई थी, जिसके क्रम में आज एक व्यक्ति जिसका नाम आशीष चौधरी है उसको गिरफ्तार कर किया गया है। ये मूलतः दिल्ली का रहने वाला है। पूछताछ पे इसने बताया कि ये पुलिस की वर्दी पहनता था और अपने बाइक पे पुलिस लिखकर घूमता था और राहगीरों को पुलिस वाला बनकर चेक करता था। इससे एक तो पुलिस की छवि धूमिल हो रही थी, वहीं दूसरी तरफ जनता में भय भी व्याप्त हो रहा था। अच्छा काम करते हुए थाना साहिबाबाद पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ में इसने बताया कि पूर्व में भी ये दिल्ली में इम्पर्सनेशन में पुलिस वाला बन के लोगों से पैसे लेने में वर्ष 2014 और 17 में जेल जा चुका है। इसने ये बताया कि इसने दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल का एग्ज़ाम दिया था जो कि ये नहीं निकाल पाया था और इसकी गर्लफ्रेंड थी और उसके परिवार वाले थे जिनको कि जिससे कि इसको शादी करनी थी, तो शादी की बात ना टूटे इसलिए झूठ उसने उन लोगों को बोला कि ये पुलिस में भर्ती हो गया और उसके बाद पहली बार इसने वर्दी सिलवाई और फिर ये गलत रास्ते पे चला। उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद में पिछले 3 दिनों से लगातार हो रही बरसात की वजह से कलेक्ट्रेट परिसर, दोहरी घाट, सूरजपुर, घोसी सहित पूरे जनपद में स्कूल कॉलेजों सहित सरकारी कार्यालयों में जलभराव हो चुका है, जिसकी वजह से बच्चों को स्कूल जाने और सरकारी कार्यालय में कार्यरत कर्मचारी सहित इन विभागों में आने वाले जाने वाले लोगों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जल भराव से रोकथाम की कोई तैयारी ही नहीं मऊ जिले में की गई, जिसका कारण है कि यह 2-3 दिनों से लगातार बरसात चल रही है, चारों तरफ जल भरा हुआ है, लोगों के रहन सहन, कच्चे घर वालों के कच्चे घर गिर गए और आज तो और अति हो गई, जो हमारे जजेस की कॉलोनी है उसमें पानी भर गया और यह कचहरी में पूरा पानी भर गया, पानी किसी तरह बाहर निकाला जा रहा है। पहले से तैयारी नहीं है, नले जो साफ होना चाहिए वो तैयार नहीं है। शहर में जो घनी आबादी है, घनी आबादी में जो है वो पैदल चलने लोगों को दुश्वार हो रहा है, तो जो तैयारी होनी चाहिए थी वो बिल्कुल नहीं है और सरकारी मशीनरी इस दिशा में कोई ऐसा कार्य नहीं किया जिससे ऐसा लगे कि जनता के लिए पहले से कोई प्लान नहीं, क्योंकि यह लोग तो इस चक्कर में थे कि थोड़ी मोड़ी बरसात हो गई पूरी मात्रा में और बहुत दिनों बाद बरसात हुई, उसका असर जो है वो पड़ रहा है।
विद्यालय में कहीं पानी निकलने की जगह नाली नहीं, इसलिए अब इसके लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं कि कहाँ से पानी निकले। इसी कारण जो है जल खराब हुआ है। फील्ड में पानी भरा, क्या समस्या है? फील्ड में पानी, चारों तरफ बारिश हो रही है, चार विद्यालय के हमारे चारों तरफ से खड़ंजे लगे हुए हैं। जल जमाव की स्थिति यह है कि चारों तरफ जब पानी लगा हुआ है तो फील्ड में से पानी बाहर कैसे जाए, एक समस्या तो बन गई है। और ऐसे में प्रशासन के लोग अगर जागरूक हों तो कहीं से कटवाएं, अगर इधर उधर से खड़ंजे आदि, तो ही ये जाकर के पानी निकल सकता है, दूसरा तो कोई उपाय नहीं है पानी। प्रशासन के द्वारा पहले से कोई नाली निर्माण नहीं कराया गया है? नहीं नहीं, कोई नाली निर्माण विद्यालय में नहीं। मतलब विद्यालय चारों तरफ से खड़ंजे से घिरा हुआ है, सड़कों से खड़ंजा इस समय लग गया है। पहले जब नहीं खड़ंजा हुआ करता था तो पानी खेतों से निकल जाता था, जब विद्यालय चारों तरफ खड़ंजे से घिर गया है तो फिर विद्यालय के पानी का जल जमाव तो होना ही है। और देख रहे हैं कि आप यहाँ से वहाँ तक मिडल की जो पूरी फील्ड है पानी से भरी हुई है, और थोड़ा सा एक आध सेंटीमीटर पानी कभी कम भी हो रहा है दिन में तो फिर रात में उससे ज्यादा बरस जा रहे हैं, तो ऐसे में पानी निकलने का तो कोई चांस नहीं है। शहर में पानी इकट्ठा हो रहा था, उसके लिए क्या इंतजाम किए गए हैं आपके द्वारा? इंतजाम किए गए हैं, पंप लगाए गए हैं और पंप से पानी निकाले जा रहे हैं और बाहर कर ठीक। आज सयाना कोतवाली में कोतवाल विजय कुमार का विदाई समारोह हुआ। विदाई समारोह में एसडीएम सुभाष सिंह ने फूल माला पहनाकर विजय कुमार को विदाई दी। आपको बता दें कि विदाई के वक्त कोतवाल विजय कुमार की आंखों में आंसू आ गए। मेरठ पुलिस एक के बाद एक एनकाउंटर कर अपराधियों को पकड़ रही है। आज एक बार फिर मेरठ में प्रतापपुर थाना पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। इस दौरान बावरिया गैंग के 25,000 के इनामी बदमाश श्रीराम उर्फ सरबजीत को पुलिस की गोली लग गई, जिससे वो घायल हो गया, जबकि उसके दो साथी बदमाश फरार हो गए। सायंकाल गगोल रोड पे पड़ता। भाजपा के फायर ब्रांड नेता साध्वी प्राची आज एक सत्संग के कार्यक्रम में मेरठ पहुंची। यहां उन्होंने मंच से बोलते हुए कहा कि एक सप्ताह से मीडिया विधायक की बेटी द्वारा भागकर शादी करने की खबर पर जोर शोर दिखा रही है। लड़की को स्टूडियो में बैठाकर उसके माता पिता को बदनाम किया जा रहा है। साध्वी प्राची ने यह भी कहा कि बेटियों को अच्छे संस्कार दिए जाने चाहिए। मुरादाबाद के थाना मूंढा पांडे क्षेत्र में रोडवेज बस ने यात्री वाहन को टक्कर मार दी। इस हादसे में 3 लोग बुरी तरह से घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका उपचार जारी है। मध्य प्रदेश के जबलपुर पुलिस ने शहर में वर्ल्ड कप क्रिकेट मैच पर करोड़ों रुपए का सट्टा खिलाने वालों पर कार्रवाई की है। पुलिस ने सट्टा खिलाने वाले 8 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से पुलिस ने मोबाइल फोन, कंप्यूटर और करोड़ों के हिसाब किताब वाले दस्तावेज भी बरामद किए हैं। जबलपुर के मुजावर मोहल्ला में दो पक्षों के बीच आपसी विवाद को लेकर मारपीट और पत्थरबाजी की घटना सामने आई है। पत्थरबाजी में हालांकि कोई घायल नहीं हुआ, लेकिन दोनों पक्षों के लोगों को मामूली चोटें आई हैं। मारपीट और पत्थरबाजी की सूचना मिलने के बाद स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को काबू में किया। ग्वालियर में अभिनंदन समारोह एवं कार्यकर्ताओं का आभार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर उपस्थित रहे। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने ग्वालियर सांसद नारायण शेजवलकर की ऐतिहासिक जीत का श्रेय ग्वालियर लोकसभा के बीजेपी कार्यकर्ताओं और जनता को दिया और उनका आभार प्रकट किया। आपका चल रहा है वहाँ पर, और उसके बाद क्या मध्य प्रदेश राजस्थान का नंबर है क्या? कांग्रेस को अंतर कले से त्रस्त और कांग्रेस का अपना विधायक समझिए हमारा इसलिए तो बीजेपी तैयार है क्या? बीजेपी मध्य प्रदेश में भी अगर वो अपने बोझ से ही दब जाएंगे तो हम क्या कर सकते? कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषणा नहीं कर पा रही है, ये
कांग्रेस का आंतरिक मामला है, लेकिन एक पार्टी जो सबसे पुरानी पार्टी है अगर इतने समय तक अपना अध्यक्ष का निर्णय नहीं कर पा रही, यह बहुत ही दुर्भाग्य। नहीं, राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि आप खरीद फरोख्त कर रहे हैं, कर्नाटक नहीं कर रहे हैं, आरोप लगाते उनको औकात दिखा दी। सरकार चल रही है कांग्रेस ने, कमलनाथ कर्नाटक। यूपी के बुलंदशहर में वारंटी को पकड़ने गई पुलिस टीम से हाथापाई कर वारंटी को उसके परिजनों ने पुलिस हिरासत से छुड़ा दिया। यही नहीं, पुलिस कर्मियों पर बिना वारंट दिखाए पकड़ने पर वारंटी के परिजनों ने पुलिस कर्मियों पर शराब पीकर दबिश देने का आरोप लगाते हुए जमकर हाथापाई की और हाथापाई का वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। पुलिस को वारंटी को छोड़कर बैरंग ही लूटना पड़ा। सर, पुलिस के साथ हाथापाई का एक वीडियो वायरल हो रहा है, ऐसा है सर, क्या पूरा मामला, क्या कार्रवाई की गई है सर? अभियुक्त वारिस के विरुद्ध माननीय न्यायालय द्वारा एक NBW जारी किया गया था। उस NBW के तामिला में परसों रात में हमारी पुलिस टीम गई थी। गिरफ्तारी से बचने के लिए उसके परिजनों द्वारा वहाँ पर हंगामा किया गया, पुलिस को सरकारी कार्य से करने से रोक दिया गया, एक वीडियो बनाया गया जिसमें वो लोग खुद ही आरोप लगा रहे हैं कि शराब पिए हैं, शराब पिए। इस प्रकरण की जानकारी में आते ही तत्काल इसकी जाँच की गई, इसमें शराब पीने के आरोप निराधार पाए गए और चूंकि ये सरकारी कार्य में बाधा डाला गया था, मुलजिम मौके से फरार हो गया था। इस संपूर्ण घटनाक्रम के संबंध में थाना कोतवाली पर एक अभियोग पंजीकृत कराया गया है। दोषियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दी जा रही है, शीघ्र ही गिरफ्तार करके जो भी दोषी हैं उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। लोनी के लक्ष्मी सिनेमा हॉल के पास में एक गैस की गाड़ी में उतार रहे गैस सिलेंडर में अचानक विस्फोट हो गया, जिसमें एजेंसी में बैठे 3 लोग, गाड़ी से सिलेंडर उतार रहे 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। स्थानीय लोगों और पुलिस ने आनन फानन में घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है, जिसमें 2 लोगों की हालत गंभीर होने के चलते उन्हें दिल्ली रेफर कर दिया गया। सर, आज लोनी में गैस एजेंसी पे घटना हुई है, क्या है सर पूरा मामला? लगभग 6:15 बजे एक गैस सिलेंडर फटने की सूचना आई, तो पुलिस मौके पर पहुंच गई, उसमें 4 लोग घायल हुए, उसमें 2 लोगों को GT रेफर कर दिया गया, चेक किया जा रहा है उनकी हालत, 2 लोगों को CST में कराया गया उनकी हालत करने के बाद, और जो लोग GT भी भेजे गए हैं फिलहाल उनके बारे में स्टेटस यह है कि अभी खतरे से बाहर, लेकिन फाइनल रिपोर्ट डॉक्टर ही दे पाएंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम ताज़ा और तरीन खबरों के लिए बने रहिए CNN News पर। तब तक के लिए नमस्कार।